गुड मॉर्निंग बच्चों, ये जो लेसन 15 है अपना, इसमें जो हम आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन को पढ़ रहे थे, नीतियां, तो इसमें आज हम बात करेंगे निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। उदारीकरण मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। उदारीकरण का था कि व्यापार और प्रौद्योगिकी को समाप्त करने की जो सरलीकरण की प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहा। निजीकरण, ठीक है। अब निजीकरण में क्या किया गया कि क्या अर्थ है इसके, कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई सारे पॉइंट्स बनते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र है उनकी जो भूमिका है उसमें वृद्धि करना, मतलब उनको ज्यादा जो है आगे विकास के अवसर देना, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देना, जो पहले बंधन बनाए गए थे उनके ऊपर उनको हटाना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है हिस्सेदारी किसको देना, निजी क्षेत्र को देना। जो अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा प्रतिबंध था, ज्यादा उनका उस पर कंट्रोल था, उस सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को क्या कर दिया गया, कम कर दिया, प्लस की भूमिका घट गई, और ज्यादा किसको फायदा दिया जाने लगा, निजी क्षेत्र को दिया जाने लगा। और ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे निजी क्षेत्र को विस्तार मिले, ऐसी नीतियां बनाई गई जिसमें नीतियों में क्या क्या शामिल किया अपन बात करते हैं। तो अब जैसे अगर अपन एक अर्थ और देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य या सरकारें जो है उनका जो स्वामित्व था वो स्वामित्व किसको दे देना, निजी हाथों में दे देना या उनके नियंत्रण में दे देना, ये निजीकरण कहलाता है। अब ये जो दो स्थितियां हम देख रहे हैं, 90 तक क्या था, 91 में जो नई आर्थिक नीति है इसमें क्या सुधार किए गए, क्योंकि सरकार ने देखा कि 90 तक की स्थिति में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे सरकार के ऊपर कहना चाहिए कि बहुत बुरी स्थिति वाली देश की स्थिति की अर्थव्यवस्था हो गई थी और उसको कंट्रोल करना था, इसलिए नई नीतियां बनाना बहुत आवश्यक हो गया था। तो पहले क्या था कि जो उद्योग थे इसमें सार्वजनिक नियंत्रण बहुत ज्यादा था जिससे विकास क्या रुक गया था, एक तरह से सारे सरकारी नियंत्रण में थे, निजी उद्योगों को लाइसेंस नहीं मिलते थे, ठीक है, और वहां पर इसकी प्रक्रिया भी जो थी बहुत लंबी चौड़ी थी, उनके ऊपर बहुत सारे जो है बंधन थे, प्रतिबंध थे, जो उद्योगों की लाइसेंस है वो अनिवार्यता बहुत ज्यादा थी, मतलब बिना लाइसेंस लिए उनको जो आगे अवसर नहीं मिल रहे थे, और इससे क्या हो गया, निजी क्षेत्र एक विकास जैसा घट गया, सीमित हो गया, उत्पादकता जो थी वो भी सीमित हो गई, ठीक है, और कई ऐसे उद्यम थे जो सरकार पे बोझ भी बन गए, क्योंकि उनको संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, 91 की नई नीति आई, उसमें ये जो यहाँ पर था उन सबको समाप्त करने का प्रयास किया, सार्वजनिक नियंत्रण जो था उसको समाप्त किया गया, ठीक है। बहुत सारे उद्योग जो थे जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य था उनकी संख्या घटा करके केवल 3 उद्योग जो है उनको जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, जैसे इसमें बन गए थे परिवहन है, रेलवे है, ठीक है, इसके अलावा खनन कार्य है, मतलब परमाणु खनन है, परमाणु ऊर्जा है, ऐसे उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, और औद्योगिक लाइसेंस जो है उनकी लगभग क्या हो गई, समाप्ति कर दी गई। और इससे क्या हुआ कि जो वर्जित क्षेत्र थे जहाँ पे निजी क्षेत्रों की पहुंच नहीं थी उनके भी रास्ते उनके लिए खुल गए, वहां पर भी अपना जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इससे क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए नए रास्ते खुले, नए रोड इससे खुले। और सरकार ने काम और किया अभिनिवेश, तो सरकार ने क्या किया, अपनी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको संपूर्ण या कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार की संपत्ति का हिस्सा उसको निजी हाथों में सौंप दिया गया, निजी हाथों में भेज दिया गया। तो राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यम का अंश जो है निजी कंपनियों को दे देना या बेचना, तो ये जो 1991-92 में एक विनिवेश कार्यक्रम जो चलाया गया, इससे क्या हुआ, एक तो प्रतिस्पर्धात्मक जो सुधार हुआ और दूसरा राजकोषीय अनुशासन बना, ये फायदे देश की अर्थव्यवस्था को हुए। फिर इसके बाद आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या, जब रास्ते खुले तो व्यापार का भी जो है दायरा बढ़ा, और ऐसे समय में जब घरेलू सीमाओं से बाहर निकल करके भारी देश की सीमाओं से या भारी देशों से व्यापार का जब दायरा बढ़ जाता है, या सारे जो है दुनिया के देश जो है व्यापार के मार्ग में एक साथ आ जाते हैं, तो एकीकरण हो जाता है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो जो अभी तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश की घरेलू सीमाओं तक सीमित थी, अब वो बाहर जाकर के भी क्या कर सकती है, व्यापार, मतलब व्यापार का जो रेंज कहते हैं या दायरा वो जो है वो खुल गया।
आर्थिक रूप से खुलापन आया, निर्भरता में जो है वृद्धि हुई, हम अपने रूप में आत्मनिर्भर हो गए। क्योंकि इससे पहले आपको मैंने बताया था कि जो हम स्वतंत्र हुए थे तब सरकार को पता था कि हम प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं है, अभी प्रतिस्पर्धा करने का समय नहीं है, प्रतियोगिता का समय नहीं है। तो सरकार ने क्या किया था, व्यापार में अवरोधक लगा दिए थे, और जब हम इसके लिए सक्षम हो गए तब सरकार ने इसके लिए द्वार खोल दिए। तो ये सरलीकरण की प्रक्रिया हो गई। तो इससे क्या हुआ कि कई चीजों का प्रवाह जो है इजीली हो गया व्यापार में, जैसे वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, श्रम का, प्रौद्योगिकी का, बाजार का, मानव का, ठीक है, तकनीक का, इन सब का प्रवाह जो है इजीली हो गया। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुएं भी जाने लगी, सेवाएं भी जाने लगी। वस्तुओं में, सेवाओं में, जैसे श्रमिक है उनका आना जाना हो गया, पूंजी निवेश जो है आरम्भ हो गया, टेक्निक जो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, बाजार निकट आ गए, ठीक है, मानव जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह, ज्ञान का प्रसार भी होने लगा। तो ये जो है मुक्त प्रभाव इसमें हो गया। तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, इसमें से प्रतिबंध हट गए, विदेशी व्यापार में उदारीकरण आ गया। तो इससे क्या हो गया कि निवेश करना भी आसान हो गया, तो स्वतंत्र व्यापार को भी अनुमति मिल गया। बाहरी जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो इजीली एक देश से दूसरे देश जो है वो आने लगी। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने का मौका मिला। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है बच्चे, जिनका एक नहीं एक से ज्यादा देशों के साथ व्यापार होता है, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित करती है, उसको स्थापित करने से पहले वो कई सारी चीजों को ध्यान में रखती है। तो कौन सी चीजें, क्योंकि जहां पे वो अपने कार्यालय कारखाने स्थापित कर रही है वहां पे जमीन कैसी है, ठीक है, वहां पे बाजार की क्या स्थिति है, बाजार के निकटता को, श्रम तो श्रमिक कुशल अकुशल दोनों ही चाहिए, एक बिजनेसमैन व्यक्ति हो कुशलता भी चाहिए और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वहां की सरकार की नीतियां कैसी है उनके पक्ष में, परिवहन के संचार के साधन की क्या है वहां पे स्थिति है, और निवेश जो है तो निवेश का क्या है वहां पर, किस तरह से सरकार उनके फेवर में है नहीं है। तो ये सारी जहां चीजें उनको अपने पक्ष में मिल जाती है वहां पर वो अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर लेती है। तो ये इनका वहां पर स्टैब्लिश होने का तरीका होता है। फिर इनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग तरीका होता है, कहीं वो इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है, कहीं वो स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर के व्यापार करती है, कहीं वो स्थानीय कंपनियों को खरीद करके भी वहां पे अपना व्यवसाय जो है चला लेते हैं। तो ये इनके कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इन सब में वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका आती है, जो हम कहते हैं ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो विश्व बैंक है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन है जो व्यापार के नियमों को देखता है, वो बनाया इसीलिए है कि सब निगरानी रख सके, विश्व व्यापार से संबंधित जो भी नियम कानून है उनको वो समझौते हैं, विवाद है कोई उसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है समझाता है, और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ऋण की भी जो है स्थिति है वो प्रदान करता है। तो ये जो WTO इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई थी, और जिससे क्या हुआ कि ये वैश्वीकरण को, निजीकरण को, इनको आगे जो है एकीकरण होने में एक फायदा हुआ या अवसर मिला। तो इसी के साथ साथ सरकार ने स्वदेशी अवधारणा भी आरंभ की, स्वदेशी ने अपने देश का, ऐसी स्थिति कि हम अपने देश का जो है ज्यादा जो है इसको ग्रोथ करें, अपने देश की चीज बनी हुई जो है उसका ज्यादा उपयोग करें, तो इससे क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। तो देश की कई कंपनी ऐसी है जो स्वदेशी है पर वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जैसे टाटा है, गोदरेज है, अमूल है, बजाज है, ये सब जो है कंपनियां, पतंजलि, ये स्वदेशी कंपनियां, इन कंपनियों के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन की अगर अपन बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के अपने जो है स्वदेशी की क्या भूमिका रही स्वतंत्रता आंदोलन में, तो आपको मालूम है गांधी जी ने जो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की थी, गांव के लोगों को आगे बढ़ाने की बात की थी, खादी का उन्होंने बहुत प्रचार किया था, खादी क्या है अपने देश का ही है उद्योग। तो इससे क्या हुआ अपने आंदोलन को भी, स्वतंत्र आंदोलन को ही मजबूती मिली, और स्वदेशी की उपयोगिता जो है इसके विचार को बल मिला और लोगों का रुझान भी जोर हुआ। तो अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ है, अब मैं लाभ आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये जो स्वदेशी की अवधारणा है इसका क्या असर पड़ा देश के ऊपर, और हमें क्यों स्वदेशी अपनाना चाहिए, इससे क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसमें कि एक तो सबसे पहले कि देशवासियों में अपने देश के प्रति देश प्रेम की, समर्पण की भावना जागृत होती है। तो अगर हम देश की बनी चीजें खरीदते हैं तो देश का विकास होता है, फिर घरेलू आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है,
और जो कंपनियां होती है भारतीय कंपनियां होती है स्वदेशी कंपनियां, वो भारत के एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट के हिसाब से जो है यहाँ पे सामान बनाती है। तो यहाँ पे जो श्रम है ये श्रमशील भी होती है और ये भारत में रोजगारों के अवसर में वृद्धि भी करती है, आयात में कमी आएगी। अगर हमारे पास हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हम अपने ही आप में जो देश में ही अगर उत्पादन करने लगते हैं तो हमको मंगाना नहीं पड़ेगा, तो आयात में क्या होगी, कमी होगी। तो आयात में जो हमको एक विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, उसमें भी कमी आ जाएगी। फिर लाभांश के रूप में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये सारा पैसा ले जाती है, तो वो लाभांश भी कहाँ बच जाएगा, देश में बच जाएगा, आत्मनिर्भरता आएगी। और जैसे हम अपने घर में पैसा बचा के रखते हैं संकट काल में, तैसे देश के पास में संकट काल के समय एक भारी रकम जो है वो रह जाती है सुरक्षा कवच। और घरेलू साधनों से टैक्स जो है राजस्व वो भी मिलता है देश को, और स्वदेशी कंपनियां जो होती है देश के संस्कृति के अनुकूल होती है, तो उसके हिसाब से वो सामान जो है बनाती है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, तो सीमित रूप में करती है, उनको पता है उस देश में क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। और फिर कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ लोग किसी देश का सामान बेचने में कई बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें रुकावटें भी डालते हैं, तो अगर हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो हमें ये सब दबाव नहीं झेलना पड़ेगा और राष्ट्रप्रेम की भावना तो बढ़ती है, और जो हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है जो स्वदेशी के लाभ को बताते हैं। और फिर अंत में आता है बच्चे कौशल विकास, कौशल विकास सब इसको अपन ऐसे समझते हैं कि कौशल विकास क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब किसी चीज का उत्पादन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रम। आपको पता है एक श्रमिक जो होता है उसकी मेहनत लगती है इसमें, तो ऐसे अगर एक मानव है, अगर वो मानव में कोई योग्यता उत्पन्न हो जाती है, कोई हुनर उसमें आ जाता है, ज्ञान हो जाता है उसमें, तो वो मानव किसमें तब्दील हो जाता है, मानव पूंजी। एक साधारण सी एक उदाहरण से अपन एक समझ सकते हैं कि आज मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो राह चलते चलते बेहोश हो जाता है कोई है, तो हमको कैसे उसे होश में लाना है हमें कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि हम इसका ज्ञान नहीं। वही अगर कोई एक नर्सिंग कर्मी है, ठीक है, डॉक्टर है, तो उसने उसका ज्ञान वो कौशल वो हुनर हासिल किया हुआ है, तो वो उस समय किस रूप में सामने आया है, उसको जान बचाने में पूंजी के रूप, मानव पूंजी के रूप। तो मानव जो संसाधन है उसको मानव पूंजी में बदलना ही क्या कहलाता है, कौशल विकास कहलाता है। तो कौशल विकास जब इसमें हो जाता है किसके द्वारा, शिक्षा उसको मिली हो, ठीक है, प्रशिक्षण उसने प्राप्त किया हो, योग्यता कौशल के द्वारा वो मानव पूंजी में बदल जाता है। तो जब ये मानव पूंजी में बदल जाता है तो इससे क्या होता है, श्रम में भी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। जब आप किसी कार्य को करना अच्छे तरह से जानते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। फिर इसके लिए रोजगार के साधन गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति हुनरमंद है जिसको ये काम आता है तो उसके लिए कार्य के अवसर भी जो है वो खुले हुए रहते हैं। आज अगर अपन भारत की बात करते हैं तो 65% जनता जो है जनसंख्या, ये इसमें इन्होंने एक उम्र का बताया 15 से लेकर के 64 तक, ये कार्यरत है, ये कार्यरत है, और उसमें उस आयु वर्ग में जो है वो कहीं ना कहीं किसी कार्य में संलग्न है। और वो ये देश के, जनता जब उत्पादक होती है तो देश के लिए हितकारी होती है, हितकारी नहीं होती क्योंकि वो देश के विकास में योगदान देती है। तो ये कौशल विकास व्यक्ति को तो फायदा दिलाते ही है और देश की आय को भी बढ़ाने में और उसकी आर्थिक वृद्धि करने में योगदान देता है। तो ये सब देखते हुए सरकार के द्वारा की कौशल की महत्ता को देखते हुए सरकार ने इसके विकास की ओर ज्यादा ध्यान देने का कार्य किया, और इसके लिए यहाँ पर आता है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है वो आरंभ किया गया, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, ठीक है, 15 जुलाई 2015 को। और इसका मुख्य ध्येय क्या था कि लोगों को, जो युवा वर्ग है उसको कोई विशेष ट्रेनिंग देकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा उसमें कौशल का विकास करें ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके, ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके, देश के विकास में योगदान कर सके। तो इसके लिए युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक मंत्रालय का भी गठन किया गया जहाँ पे अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम, ठीक है, ये सिखा करके लोगों को, खासतौर पे युवाओं को रोजगार जो है कौशल दिया जा रहा है, और इसके द्वारा जो है कल्याणकारी कार्य भी की जाते हैं। तो कौशल विकास से क्या होता है, जब व्यक्ति में योग्यता आ जाती है तो वो अपना एक अच्छा खुद का
जो विकास कर सकता है, जब व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास भी होगा। तो अभी हमने बात की कौशल, हुनर, ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण, इनके द्वारा हासिल किया जाता है और सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है कि युवाओं को नए नए प्रशिक्षण दे करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। क्योंकि अगर अपन देखते हैं कि कहीं हार्डवेयर का, कहीं सॉफ्टवेयर का, कहीं किसी और चीज का, महिलाओं के लिए भी अगर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसके द्वारा वो एक कोर्स करके और प्रशिक्षण लेकर के और अपना जीवन अधिक सफल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा, एक तो बचा हुआ निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास। तो कौशल विकास क्या है, मानव पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम क्या है, सरकार ने इसे कब अपनाया, कब लागू किया, इसका ध्येय क्या है और इससे क्या लाभ हुए। तो इसके अंतर्गत हमने पार्ट 15 में इन सब बातों की जानकारी ली। आप अपनी बुक में भी देखिएगा।